आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पारुल डिफेंस शेल्टर ग्रुप की तरफ से आज आपके सामने एक न्यू वीडियो एंड न्यू सेगमेंट लेके आई हूँ प्रॉपर्टी का। तो जो रहेगा अपना DLF का, आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस जो है ये अपना प्रॉपर्टी है। इसमें जो सेगमेंट है, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं एंड काफ़ी लग्जरियस की मैं बात करूँ, वो लग्जरियस जो है वो इस प्रोजेक्ट में है। अगर व्यू की मैं बात करती हूँ तो व्यू ऐसा है कि जैसे सुकून एक जगह पे आ गए हैं, ऐसी जगह जो सुकून से भरी शांति एकदम एरिया है। यहाँ पे कोई गाड़ियाँ, कोई हॉर्न के जो है यहाँ पे नॉइज नहीं रहेगी, आप जो नेचर है उसको एंजॉय कर सकते हैं इस लोकेशन पे। तो आइए एक बार लोकेशन की तरफ चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने क्लब हाउस के टेरेस पे। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ के कंस्ट्रक्शन के बारे में, आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में कंस्ट्रक्शन जो है, जो कंस्ट्रक्शन अपनी चल रही है, मैवान कंस्ट्रक्शन रहने वाली है। इसके जो बैक साइड का एरिया है वो अपना फॉरेस्ट जो है वो एरिया रहने वाला है, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ के व्यू की, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो अपना पहाड़ियों का एरिया रहने वाला है। एक तरीके से आप पहाड़ियों के अंदर कवर रहने वाले हैं, इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। अब मैं बात करती हूँ यहाँ के प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट है अपना टोटल 209 एकड़ में रहने वाला है। और एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोर आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसमें जो है वो कंपनी फुली फर्निश्ड करके दे रही है आपको, सारा जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा काफ़ी सुंदर तरीके से जो है ये अमेनिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं आपको, काफ़ी लग्जरियस, जिसे लग्जरियस का नाम बोलते हैं वो है DLF। यहाँ पे जो रोड साइज़ है 40 फीट का जो है वो रोड साइज रहेगा इंटरनल। एंड आपका जो घर के सामने वाला व्यू है वो आपका पार्क व्यू रहने वाला है। और हिली जो एरिया है वो आपका फ्रंट जो है टेरेस का, वो हिली एरिया रहने वाला है। अगर मैं यहाँ के रोड की बात करती हूँ तो रोड जो है यहाँ का कालका शिमला जो रोड है वो यहाँ से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ की रहेगी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, तो होप सो जल्दी आपका जो है कनेक्टिविटी यहाँ की शिमला की डायरेक्ट एक्सेस जो है वो आपकी इस प्रोजेक्ट के पास से ही रहने वाली है। एंड अगर मैं पार्किंग की बात करती हूँ तो यहाँ की जो पार्किंग है वो स्टेट में पार्किंग रहने वाली है। एंड ओपन एरिया में भी जो है इसमें गेस्ट पार्किंग रहेगी अलग से। और अगर मैं यहाँ के स्कूल की बात करती हूँ, यहाँ पे 5 स्कूल्स जो हैं वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। इसमें क्रच भी है अपना, इंटरनेशनल स्कूल वगैरह, हर एक चीज़ की जो है वो आपके फैसिलिटी इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको टाउनशिप के अंदर मिलने वाली है। और अगर मैं यहाँ की फैमिलीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 1800 प्लस जो है यहाँ फैमिलीज़ रह रही हैं। अगर मैं यहाँ की पोजीशन की बात करती हूँ तो पोजीशन जो है वो अपना 2026 अक्टूबर को रहने वाला है यहाँ का। तो एक बार यहाँ पे आके आप सभी विजिट कीजिएगा एंड अपना जो एक्सपीरियंस रहेगा आपका वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं एंड ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ की एमिनिटीज़ के बारे में, तो एमिनिटीज़ जो हैं वो यहाँ की काफ़ी लग्जरियस रहने वाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर जो आउटडोर में अगर मैं बताऊँ आपको तो एक अपने पास स्विमिंग पूल आ जाता है। अगर मैं बात करती हूँ क्लब हाउस के इंडोर के बारे में, तो इंडोर में जो है मल्टीपल जो है वो हमें ऑप्शंस रहने वाले हैं। लाइक जैसे अगर हम एंटर करते हैं क्लब हाउस में, एंट्री करते हैं अपना रिसेप्शन एरिया आ जाता है, रिसेप्शन एरिया के बिल्कुल साथ में जो है वो आपका रेस्टोरेंट एरिया आ जाता है। अनदर प्रोजेक्ट से हट के जो है वो यहाँ पे एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप इस तरीके से स्क्रीन में देख सकते हैं जो एमिनिटीज़ हमें मिलने वाली हैं। प्रॉपर्टी पसंद आई हो। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें,
इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्राई सिटी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आई होप मैं आपकी सारी हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। थैंक यू।